हम डिस्कस कर रहे थे एमएस ऑफिस के कल की क्लास में, एमएस ऑफिस के बारे में कि एमएस ऑफिस के जो हमारे वर्जन्स हैं, कौन सा एप्लीकेशंस किसके लिए काम आता है। तो चलिए उसी से हम डिस्कस करते हैं। हम 2016 एमएस ऑफिस के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर मेनली हमारे पास पांच एप्लीकेशंस हैं, एमएस एक्सेल, एक्सेस, वर्ड, आउटलुक एंड पावर पॉइंट। तो एक्सेल का काम होता है रजिस्टर, जैसे कि डेटाबेस मेंटेन करना, कैलकुलेशंस वगैरह करना, डेटा को स्टोर रखना, डेटा को प्रेजेंट करना, समरी बनाना, इन सब चीजों के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेस होता है जब हमारे पास 10-20 लाख रो का डेटा होता है, मतलब कि 10-20 लाख डेटा होता है, तो उस तरह के डेटा को एक्सेल में हम नहीं रख सकते, इसलिए हम एमएस एक्सेस में रखते हैं। एमएस वर्ड में जो हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं लेटर ड्राफ्टिंग का। लेटर ड्राफ्टिंग मतलब जैसे कि आपको कोई अगर लेटर लिखना हो गया, कोई अगर आपको मेमो लिखना हो गया, या कोई आपको एप्लीकेशंस वगैरह लिखना हो गया, कोई बुक राइटिंग करना हो गया, कोई आर्टिकल लिखना हो गया, तो ऐसे चीजों के लिए हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि अगर मैनुअल काम जो हम सादे कागज पे करते थे, वो सादे कागज का पूरा काम हम वर्ड पे करते हैं, और जो रजिस्टर पे करते थे वो हम एक्सेल पे करते हैं। आउटलुक का काम होता है मेलिंग के लिए। जनरली हम लोग मेल का इस्तेमाल करने के लिए यूज करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर आपकी कोई पुरानी मेल है, उस मेल को आप तभी खोल पाएंगे जब आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी। बट आउटलुक में क्या, देखिए मेल सारा मेरा डाउनलोड हो रहा है, अभी देख रहे हैं ये सारे मेल मेरे डाउनलोड हो रहा है, और मेरे सारे मेल डाउनलोड हो जाएंगे, और मैं इन फ्यूचर में अगर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं भी हूं, तो मैं अपने सारे मेल्स को कर सकता हूं, मेल भेज सकता हूं, लेकिन मेल जब मैं भेजूंगा, इंटरनेट नहीं रहेगा, तो वो मेरे आउटबॉक्स में चला जाएगा। जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट होगा, वो आउटबॉक्स से मेल उस पर्टिकुलर पर्सन को चला जाएगा। तो ऑफिस के अंदर में मेलिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है, वो आउटलुक में होता है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाएंगे, किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे, तो वहां पे मोस्टली जो मेल्स होते हैं, वो हम आउटलुक के जरिए ही करते हैं। अब बात करते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का यूज होता है प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे कि कुछ चीजें आपको दिखानी है, समझानी है, किसी को बताना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, स्लाइड बाय स्लाइड, तो उस केस में हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने एमएस ऑफिस के पांच एप्लीकेशन के बारे में बताया किसका क्या यूज है। एक्सेल का यूज है कैलकुलेशन, डेटा स्टोरेज एंड एनालिसिस के लिए, समराइजेशन के लिए। एक्सेस का यूज है लार्ज ऑफ डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, जैसे 10-20 लाख रो का डेटा है तो एक्सेल में तो होगा नहीं, तो उसको हम एक्सेस में रखते हैं। वर्ड का काम होता है लेटर ड्राफ्टिंग, आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशंस, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे हम कुछ ऐसे लिखने के लिए, मेमो क्रिएशन, इसके लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं मेल्स को हैंडल करने के लिए, ईमेल को हैंडल करने के लिए, एंड पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं आपके इसके लिए, क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशंस के लिए, स्लाइड्स बनाने के लिए। इसमें और भी चीजें हैं, जैसे देखिए यहां पे आपके पास आता है ओपन नोट। ओपन नोट भी एमएस ऑफिस का पार्ट है, लेकिन ओपन नोट कोई खास चीज नहीं है। होता है क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई प्रिंट देना, प्रिंट मान लीजिए इंटरनेट पे आपने कोई एप्लीकेशन कोई भरा, मतलब कि कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के साथ क्या होता है कि आपके उसकी जो रिसीविंग आती है, तो रिसीविंग को सेव करने का ऑप्शन नहीं आता, प्रिंट करने का ऑप्शन आता है, बट आपके पास प्रिंटर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या करेंगे, रिसीविंग रखना है बट प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंटर नहीं है, तो उस केस में हम ओपन नोट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसको एज ए पीडीएफ में सेव कर सके। तो तरुण शर्मा जी, आपको हमारे एप्लीकेशंस में होने वाले चीजों के बारे में पता चल गया कि कौन सा एप्लीकेशंस हम किस पर्पस से यूज करते हैं? कोई नहीं डाउट इसमें? दोबारा से बताइए। तरुण शर्मा जी, आपके पीछे काफी शोर हो रहा है, प्लीज देख लीजिए।
मैं मैम एक्सेल एक्सेस वर्ड आउटलिंक पावर पॉइंट, इन पांच चीजों पे हम एमएस ऑफिस की क्लास में सीखेंगे। और ये पांचों चीज को भी क्या, सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि हम किस चीज के लिए क्या यूज करते हैं, ताकि ऑफिस में जब काम आएगा तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि इस काम को हम एक्सेल पे करें या वर्ड पे करें या आउटलुक पे करें, समझ रहे ना, या एक्सेल। तो ये जानकारी जब रहेगी तो आप अपने एप्लीकेशन को चूज कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी वर्कशॉप पे जाएंगे, किसी गाड़ी के वर्कशॉप पे, तो किस नट को किस रिंच से खोलना है, तो जब तक नट हम देख लेते हैं तो हम रिंच को चॉइस पता चल जाता है कि हाँ इस नट को इस रिंच से ही खोला जा सकता है। तो उसी तरह से सेम थिंग होता है। अब चलिए वन बाय वन हम एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एमएस वर्ड, ठीक है ना, जैसा कि आपने बोला था कि आपको वर्ड से स्टार्ट करना है, तो एमएस वर्ड हम पढ़ें। तो एमएस वर्ड ओपन करने तो आता ही होगा आपको, आप ऑल कमांड से ओपन कर सकते हैं, सर्च कर लीजिए एमएस वर्ड, आप उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड को आप ओपन करते हैं तो पहला व्यू आपके सामने आ रहा है, एक पहला व्यू आ रहा है तो फर्स्ट व्यू कहते हैं। इसमें यहां आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट होता है। रिसेंट डॉक्यूमेंट मतलब कि आपने लास्ट जो है कौन कौन सी फाइलें खोली हुई है। होता है क्या ना कि मान लीजिए कि आप आपने कल एक एक फाइल पे काम किया था और उसको आपने कहीं सेव कर दिया, आप भूल गए, तो वो यहां पे आ जाता है। लेकिन ये रिसेंटली आएगा, मतलब कि चार पांच 10 फाइलों की जो हो गई वही आएगा, उससे ज्यादा की फाइल होगी तो फिर आपको उस लोकेशन में जाके ओपन करना पड़ेगा जो यहाँ दिख रहा है, ओपन अदर डॉक्यूमेंट। तो ये रिसेंटली क्या होता है कि मतलब कि रिसेंट फाइल पे आप काम कर रहे हो, उन फाइलों का लिस्ट होता है। अगर इसमें से कोई फाइल आपका नहीं है यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट, मतलब किसके लिए कि ऑलरेडी क्रिएट की गई फाइल में कुछ चेंजिंग करना है या फिर उसको आगे कंटिन्यू करना है उस केस में। लेकिन आप चाहते हो नई फाइल बनाना, तो आपके पास ये ऑप्शन, इसमें सबसे पहले आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मतलब कि एक सादा कागज लेना चाहते हो तो यहां से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका काम या किस पर्पज से आप फाइल बना रहे हो अगर आपको पता हो, तो ये यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे टेम्पलेट इसका इस्तेमाल कर। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक सर्टिफिकेट बनाना चाहता, समझ गए, या फिर मुझे एक सिंपल रिज्यूम बनाना है। मान लीजिए मुझे सिंपल रिज्यूम बनाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने आज से पहले कभी रिज्यूम बनाया नहीं, तो यहां पे देखिए यहां पे क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम आ रहा है, क्लिक कीजिए, क्लिक करके इसको क्रिएट। इसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए क्योंकि ये ऑनलाइन होता है। अब आपके पास रिज्यूम का सैंपल आ गया, अब आपको क्या करना है, इसमें दी गई डिटेल को अपने डिटेल चेंज करना है। जैसे फर्स्ट नेम मान लीजिए मैं अपना लिख देता हूं कि सुजीत, एंड लास्ट नेम कुमार, एड्रेस देता हूं 412 दक्षिणपुरी, न्यू दिल्ली। इससे क्या हुआ कि हमें जस्ट डिटेल को चेंज करना है, हमें इसकी फॉर्मेटिंग बनाने की जरूरत नहीं, फॉर्मेटिंग खुद ब खुद बन रहा है। तो टेम्पलेट का यूज इसलिए करते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल जो डालना है आगे डाल दीजिए, अपना जो ए डालना है वो डाल दीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस को डाल दीजिए, अपने क्वालिफिकेशंस को डाल दीजिए, अपने स्किल्स को डालिए, एक्टिविटी को डालिए, आपका रिज्यूम बन गया तैयार। तो कहने का मतलब कि जैसे आपको यहाँ पे टाइपिंग ही करना पड़ा ना, जैसे इस तरह की जो फॉर्मेट है इसकी, बोल्ड को बढ़ाना, साइज बढ़ाना, कलर चेंज करना, इसको इस तरह से करना, फिर लाइनिंग देना, बुलेट्स देना, इन सब टाइमों पर, सब चीजों पर आपका काम टाइम जो है बच गया।
या फिर अनोदर हम चलते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि जिस तरह का आप टैंपलेट खोज रहे हो वो टैंपलेट यहाँ पे नहीं, तो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं सर्टिफिकेट करना चाहता हूँ, सर्टिफिकेट मैं वैसे बोला कि एक सर्टिफिकेट डिजाइन करो, एक प्रतियोगिता हो रहा है या फिर एक कंपटीशन हो रहा है तो उसके लिए उनको एक सर्टिफिकेट बना के देना है, समझ गए? तो आपको बोला सर्टिफिकेट बनाने के लिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर्टिफिकेट क्या होगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट सर्च करोगे, आपके पास सर्टिफिकेट के टैंपलेट्स यहाँ दिख जाए, या गिफ्ट कमांड हुआ, या डिप्लोमा सर्टिफिकेट हुआ, या थैंक यू कार्ड हुआ, देख रहे हैं आपको ना, या एनिवर्सरी गिफ्ट कार्ड हुआ, या सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड हुआ, अवार्ड का ही मिल गया आपको, अवार्ड हुआ, या सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट हुआ, देखिए अचीवमेंट का हुआ, सिलेक्ट किया और यहां से आप क्रिएट कर लीजिए, जी ये डाउनलोडिंग होगा, आप देखिए बनाया बनाया बना बनाया टेम्पलेट आपके पास आ गया, ठीक है? अब यहां पे जो है नेम डाल दीजिए जिसका है, मान लीजिए मैं डाल देता हूं तरुण शर्मा, ठीक है? हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट नेम, हमने बोल दिया कि इन्होंने ऑफिस ट्रेनिंग, ठीक है? और हो गया, यहाँ पे ईयर मंथ हमने बोला कि 1 ईयर, नहीं, जिस दिन होगा माफ कीजिएगा, और यहाँ पे अपने कंपनी का लोगो अटैच कर दीजिए, सर्टिफिकेट बन गया। तो आपको कम टाइम में आपने डिजाइनिंग तैयार कर लिया। तो इसके एक फायदा ये हुआ, दूसरा फायदा ये हुआ कि आपको, एक फायदा तो हुआ कि भाई आप अपने काम को इजीली तरीके से टैंपलेट से कर सकते हो, राइट? दूसरा फायदा क्या होता है, दूसरा फायदा ये होता है, जैसे कि आप जो है एक्सेल वर्ड को और ज्यादा तरीके से जान सकते हैं, ठीक है? मतलब कि इसमें सारे वर्ड की ही फाइल है, तो इससे पता चलेगा कि वर्ड में और कितने तरह के काम हो सकते हैं। यहां से सर्च कीजिएगा, यह कैटेगरी है बिजनेस के पे, तो आप सीखने का पर्पस, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आप भी खुद अपने टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका काम है पेन कार्ड फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है? तो आप क्या करते हो कि आपके पास वर्ड में बना हुआ एक फॉर्मेट है, फॉर्म है, उस फॉर्म को आप क्या करते हो कि फिल करते हो और प्रिंट आउट निकाल के साइन करवाते हो। अब एक कैंडिडेट का आपने भरा, फिर दूसरा कैंडिडेट आया, तो जो पहले कैंडिडेट का डेटा है पहले उसको डिलीट करोगे, फिर आप नया कैंडिडेट के डेटा को फिल करोगे। तो आप अपना टेम्पलेट बना लोगे, तो बस टेम्पलेट को हमेशा ओपन करोगे तो हमेशा आपको एक ब्लैंक फॉर्म ही पेन कार्ड का फॉर्म मिलेगा, एकदम ब्लैंक। उससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए तरुण जी? समझ में आ रहा है आपको? तो अब मैं चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले आप इसमें से करीब करीब 10 से 20 टैंपलेट को डाउनलोड कीजिए और उसको देखिए कि वो टैंपलेट क्या है। जैसे रिज्यूमे के टैंपलेट डाउनलोड करके अपना रिज्यूम बनाइए, समझे? तो आगे सीखने से पहले जो इसके टैंपलेट्स है उसके बारे में आपको एक बार पढ़ोगे तो और ज्यादा अंदाजा लगेगा। जैसे कि सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके आपने सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश की, आपने रिज्यूम डाउनलोड करके रिज्यूम बनाने की कोशिश की, मेमो डाउनलोड करके आपने मेमो बनाने की कोशिश किया, ठीक है ना? तो इस तरह के 10 टेम्पलेट को डाउनलोड करो और आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करके बनाओ। कैसे करना है समझ में आ गया, या दोबारा सर बताऊं? एक बार दोबारा से बताओ। जैसे ये देखिए क्रिएटिव रिज्यूम डिजाइन दिख रहा है आपको, ये
यानी नाम दिख रहा है क्रिएटिव रिज्यूम डिजाइन, आपने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक किए, वो डाउनलोड होगा, डाउनलोड ओपन हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है योर नेम, यहाँ अपना नाम लिखिए, एक्सपीरियंस कौन सा कंपनी में काम किया, क्या किया, रिज्यूमे यही होता है ना, अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे यहाँ नीचे ईमेल है तो ईमेल पे ईमेल लिखिए, टेलीफोन पे टेलीफोन लिखिए, जस्ट क्लिक करते सेलेक्ट हो जाएगा। लिंक्डइन यूआरएल या अदर कोई ऑनलाइन है, आपके ऑब्जेक्टिव, आपका स्किल्स, ठीक है ना, बस चेंज करना है। जैसे उसको क्लिक करोगे सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे क्लिक किया सिलेक्ट हो गया, टाइप करना स्टार्ट कर दो, समझ गए। एजुकेशन जॉब टाइटल जॉब का एक्सपीरियंस, बस यही करना है। तो कहने का मतलब नहीं समझे, पहले नई चीज सीखने से पहले जो किसी और की बनाई हुई चीज है उसको उस पे चेंज करना सीखना, समझ गए। उससे आप क्या होती है, अवेयरनेस बढ़ती है। अवेयरनेस बढ़ने का फायदा क्या है, इस चीज को जानिए। आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल को किसने सिखाया था, आप मोबाइल मोबाइल यूज करते हैं ना, तो मोबाइल को यूज करना कोई सिखाया था आपको, खुद ब खुद सीख गए थे। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल पे ज्यादा टाइम बिताए, मोबाइल को ज्यादा छेड़छाड़ किए, मोबाइल में अवेयरनेस आपका ज्यादा बढ़ा, तो आपको मोबाइल यूज करने के लिए किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, आपने खुद ब खुद वो सीख लिया, समझे। एप्लीकेशन सीखने से पहले उसको छेड़ो ताकि उसकी अवेयरनेस आपको आए, समझ गया ना। तो उसमें कई सारे चीज आप खुद ब खुद जान जाओगे, कई सारे चीज अगर नहीं जानोगे, जब मैं आपको चीज बताऊंगा तो उस समय आप जल्दी कैच करोगे, यार वहां पे दिखा दो प्रॉब्लम था, ये होता है, और आप जल्दी भूलोगे नहीं, समझ गए। तो आप न्यू पे जाएं और 10 टेम्पलेट को डाउनलोड करें, उसमें अपना डिटेल डाल और फिर मुझे आप मेल कीजिए, ठीक है। मैं आगे की चीजें बताऊंगा, शुरुआत आपको मैं बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, समझ गए।